डू दैट फिर फीचर ही रिकॉर्डिंग करेगा ताकि आपको प्रॉब्लम। तो मैं अभी जो है सर वरी ताने साउंड न पियो जे वो जो आवाज आने सही है। हाँ तहां की तरफ को मसलून हो पापा। एक्सक्यूज मी सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर हियर। अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम आने नहीं करे। हाँ नेटवर्क ही रिमोट नेट सही है। मोर यहाँ ऑफिस में बैठा है वहाँ ऑफिस में नेट आ रहे जी स्पीड सुठी है रहे। अच्छा माँ स्लोली गलाए तो तहां का काश एमएस न थे। जिन आवाज वगैरह मिस थे तो रिकॉर्डिंग दिसी वठंदा उन में उनके खबर पेजी वेंदी सही। अच्छा मां पंजी स्क्रीन शेयर तो कया तमा सा ताकि तमा दिसी सको मां पावर पॉइंट खोली है। ठीक है हाँ तहां सामू मुझे स्क्रीन होंगी ही तहां सामू मां लेक्चर खोलो है। कल अस लेक्चर से काफ़ी सारी शूं डिस्कस क्यों अज वरी अस सागे लेक्चर के कंटिन्यू कस। अच्छा सो यस आई वॉज येस्टरडे एट दिस पॉइंट this is the diagram that shows the architecture of cloud computing and it shows various components jaise ke server machines hain different users hain aur cloud pe jo hosted applications hain uske alawa jo networking component hain cloud pe data storage hai aur phir services hain। तो ये पूरा जो एनवायरनमेंट है ये एनवायरनमेंट यूटिलाइज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए और ये बेसिकली प्लेटफॉर्म के कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटिंग नेटवर्किंग स्टोरेज और सर्विसेज। ठीक है और ये यूजर्स हैं जो कि वेरियस एप्लीकेशंस जो हैं जिनकी जो डिप्लाई हुई हुई हैं क्लाउड पे और यूज़र्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं और एंड यूज़र्स भी हैं। तो ये यूज़र्स इन एप्लीकेशंस को यूज़ भी कर सकते हैं या फिर इन एप्लीकेशंस को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। ठीक है अच्छा ये वही चीज़ है जो हमने कल डिस्कस की थी कि जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो हमने डिस्कस की हैं कल। और ये जो सर्विस मॉडल्स हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है उसके अलावा जो तीसरी जो चीज़ है वो है डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स से मुराद ये है कि जो क्लाउड है वो किस तरह जो है ना इस हवाले से डिप्लॉय हो के क्लाउड की जो सर्विसेज हैं तो वो पब्लिकली अवेलेबल हो या एक ऑर्गेनाइजेशन के बाउंड्रीज के अंदर प्राइवेटली अवेलेबल हो या एक हाइब्रिड मॉडल भी हो सकता है कि जिसमें क्लाउड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सर्विसेज हैं वो पार्शली पब्लिक हों और पार्शली क्लोज्ड हों प्राइवेट हों या फिर कम्युनिटी क्लाउड भी जो ना वो हो सकता है। ठीक है अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड और कम्युनिटी जो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं उनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है पब्लिक क्लाउड से मुराद ये है कि जैसे हम लोग जो है यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो वो जो वीडियोस हैं वो एवरी वीडियो दैट वी वॉच इज बेसिकली अ सर्विस। ठीक है एक वीडियो वॉच सर्विस होती है यूट्यूब पे जिसके थ्रू हम उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक क्लाउड जहाँ पे हम वीडियो जो है उनको सर्च कर सकते हैं वीडियोस को देख सकते हैं उनको पास कर सकते हैं उनको प्ले कर सकते हैं उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो जो वीडियो प्लेयर होता है यूट्यूब का उसमें अवेलेबल होती हैं। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द पब्लिक क्लाउड जहाँ पे आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड की एग्जाम्पल ये है जैसे हम HCC की जो सर्विसेज अभी यूज़ करते हैं अपने ऑफिशियल ईमेल के साथ जैसे कि हम एज ए फैकल्टी मेम्बर
एचसीसी की ईमेल यूज़ करते हैं, और फिर हम जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज हैं या फिर वन ड्राइव है, ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, हमारे पास अगर वो आईडी है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर वो आईडी नहीं है तो हम उन सर्विसेज को यूज़ नहीं कर सकते। तो वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है ये सर्विसेज, बल्कि एक विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो ये एग्जाम्पल है एक प्राइवेट क्लाउड की। ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड की एग्जाम्पल ये हो सकती है कि कुछ सर्विसेज जो हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हों और कुछ सर्विसेज प्राइवेटली अवेलेबल हों। ठीक है, जैसे गूगल क्लाउड है। ठीक है, गूगल क्लाउड में आप देखेंगे कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है फ्री मिलती हैं, वो पब्लिकली अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि उसके प्रीमियम अकाउंट में होती हैं, गूगल हो या फिर इवन अमेज़ॉन हो या अजोर हो, तो वो उसकी जो सर्विसेज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं, तो वो जब तक आपके पास प्रॉपर एक्सेस नहीं है तो आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट की कॉम्बिनेशन, तो कुछ चीज़ें जो फ्री अवेलेबल हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हैं, और जो फ्री अवेलेबल नहीं हैं वो प्राइवेटली अवेलेबल हैं। आपकी अकाउंट की बेसिस पे आपको एक्सेस मिलती है, अगर आपका अकाउंट किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है या फिर आपने अपने अकाउंट के थ्रू क्लाउड की सर्विसेज परचेज की हुई है। थर्डली जो है वो एक कम्युनिटी क्लाउड भी होता है कि वो पूरी पब्लिक के लिए नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसके लिए वो जो क्लाउड है उसकी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे जैसे एक क्लाउड है, उसको कहते हैं साइंस क्लाउड। तो साइंस क्लाउड जो है वो सिर्फ साइंटिस्ट के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए अवेलेबल होता है। उसमें फॉर एग्जांपल मैं एज ए साइंटिस्ट वहाँ पर रजिस्टर कर सकता हूँ, तो दुनिया भर में जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी रिसर्चर्स हैं, तो वो साइंस क्लाउड को जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं और उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसा क्लाउड हो जो कि आपने गालिबन गिट हब का नाम सुना होगा। गिट हब एक डेवलपर्स कम्युनिटी है। ठीक है, वहाँ पे मुख्तलिफ जो डेवलपर्स हैं वो डेवलप करते हैं एप्लीकेशंस, और उनका जो सोर्स कोड है उसको वो अवेलेबल कर देते हैं गिट हब पे, उसको अपलोड कर देते हैं ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें। तो वो डेवलपर्स की एक कम्युनिटी है, तो वो कम्युनिटी गिट हब का जो कोड है जो कि क्लाउड पे पड़ा हुआ है, उस क्लाउड को वो एक्सेस कर सकते हैं। सो दीज आर फोर टाइप्स ऑफ क्लाउड्स डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, पब्लिक भी हैं, प्राइवेट भी हैं, हाइब्रिड भी हैं, और जो है वो कम्युनिटी भी हैं। तो मैं फिर आता हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, ताकि मैं आपसे पूछ सकूँ कि अगर आपको कोई सवाल है इसमें तो आप मुझसे पूछें। और सवाल पूछने का मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया हुआ है कि आप क्या करेंगे, हैंड रेस करेंगे। हैंड रेस करने के बाद मैं आपको इनवाइट करूंगा जिस बंदे को, तो वो अपना माइक जो है ना ऑन करके मुझसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, इश्तियाक, इज एवरीथिंग गोइंग ऑलराइट? यस सर। ओके, तो किसी को कोई सवाल हो तो आप हैंड रेस कर सकते हो, ताकि मैं फिर उस सवाल का जवाब आपको दे सकूं। लेकिन अभी तक हाँ, दिलीप जो है ना वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। दिलीप, आप अपना माइक ऑन करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। सर, ये पब्लिक और कम्युनिटी क्लाउड में क्या डिफरेंस है? पब्लिक और कम्युनिटी में ये डिफरेंस है कि पब्लिक मीन्स कि उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, आप बगैर ईमेल आईडी के भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कम्युनिटी में ये है कि आपकी प्रॉपर एक ईमेल होगी। ठीक है, आपकी डेवलपर कम्युनिटी है, तो आप जैसे गिट हब पे जाके आप अपनी ईमेल से रजिस्टर होंगे एज ए डेवलपर, तो फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब जो है आप साइन इन किए बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल आप साइन इन किए बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पब्लिक है, उसमें कोई आपके मेंबरशिप की या आपको ईमेल ऑथेंटिकेशन की उसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है दिलीप। ओके सर, ओके। ठीक है, अब आप अपना माइक ऑफ कर दें भले। ठीक है, Anyone else who has a question? I don't see any other raised hand except Suhail Randhawa. आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, जो हमारी हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड के अंदर हमारी कम्युनिटी वाले ऐड आ सकते हैं या नहीं मेंबर्स? हाइब्रिड में जो है वो देखिए, कुछ चीजें इनमें ओवरलैप
करती होंगी कम्युनिटी में और हाइब्रिड में यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ फीचर्स, कुछ चीज़ें हाइब्रिड के अंदर देखा ना, कुछ चीज़ें पब्लिक की भी आ सकती हैं, कुछ चीज़ें कम्युनिटी की भी आ सकती हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें प्राइवेट की, ठीक है। तो प्राइवेट सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, नहीं आ रही आपकी। सर आवाज ना पहुंचे लगे तो लाइट भाई, सर जी वेट करो थोड़ी देर, चक्कर आवाज ना चे बाबा। सर तुम जो क्वेश्चन ही रहो तुम जो गल आना वो फर्ज दो ना, आराम आराम का पूछ ना बाबा। हाँ सुमराज कितना ही तू ही राज्य उमर कोट माँ शुक्र कर आयो हूँ अब यों दिन ताए हीरो नहीं होते तो किला सब को नेटवर्क तेरे वट्टों का मैं बड़ा मज़ा यार सब वेट कयो सर जो लैपटॉप बंद थी हो तो इनी करे सर 2 मिनट खची वेलो वेट कयो अदा वेट कर रहे हो कौन सा बच्चा ठीक का सा वेट था ये आना था जे हथ में यार साहब ये माई आवाज पे ना हो जे गरम बंडे गरम पक्का भाई फयाल मला यो भी तो ये अंडा खपाया है उमरकोट में आगे के तोला था हुए खपाया अनदर अरे यार था गलाया रूप में शोभी यार था मौको ना दे यार गलण जो अब तू चुप कर चुप कर सुन तुम जो करो कम ग्रुप में हले तो खाई आए तू खाई आए मानी घणन दरन दे भाई जाके जुलम कर तू के चाय तुम देखो लूसी कर दे जितना टुकर मिले तो जो भी टुकर चुप के चुप के साईं अच्छी चुप के अल्लाह आया भाई ने कौन आया वा हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आया भाई कौन आया वा सर रिकॉर्डिंग थे थी मेहरबानी करे माफ करे वही रहो क्लास है क्लास में रिकॉर्डिंग के लिए बाबा चलो ठीक है बा कौन आयो सर फयाज मला केड़ा हालन खुश है हेलो बाबू के साहब बड़ा खुश है वाकई जो रिकॉर्डिंग दिया
साहब हेलो अमर सोलंकी साहब क्या हाल है रिकॉर्डिंग भी हले वड़ा जिन रिकॉर्डिंग भी हले वा बुलाए ना अरे सफीर तू तो पंजो यार ये खोला ऑफलाइन से हटाए छे अरे मतलब चेक टाइम का खोला सही और कॉल पर ऑफलाइन हटा यार ख्याल में चला गया हेलो अभी जो अपन कर सुना बाहर तो जा रही यार इंजी वीडियो आना डायरी साईं काटे वो साईं एंड सारे वीडियो तो सबमिट कर और उनका डिजाइनी डायरी ओ भाव मस्करी मत करो रिकॉर्डिंग पिटती है पर समझो छोना था गाल ता छाजी मस्करी कचेरी पे कयो नहीं पुरानी पे कयो रिकॉर्डिंग थिए भई ता थिए काफी डियन का वो गाल बोल दिया संगत सा ना ता शंकर सा कचेरी संगत या व्हाट्सएप नंबर अच्छा बना उसे निकाल आया हूँ ना अरे यार व्हाट्सएप पे क्या क्लास में तो गला हूँ ना व्हाट्सएप पे तो बहुत गला है ना क्लास क्लास आए रोट बुलाओ तो टेंशन ना चाहे पैसों जो मार्क उन जगह 0-0 में हो एक टोपेंटे यो भेकड़ी गाल बन जो जन जो वीडियो और मसलो को मतलब वीडियो डाउनलोड कौन थी थे वो हाँ ही यार डाउनलोड थे थी वो मेहरबानी करे पानी पे मना वीडियो डाउनलोड करे अगर अना भी नती रहे पो मना स्ट्रीम ते पांजो मना अकाउंट साइन आउट करे पो साइन इन करो पो तो अन वीडियो डाउनलोड थी वेली थैंक यू इश्तिया साइन इन मेरे पण इश्तिया के व्हाट्सएप दे कम देखो पंजाब वाले इश्तिया केडो मसलो थयो अदा मैं मैं कह रहा हूँ कि भाई जो कल वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही थी ना उस वीडियो डाउनलोड होने का मसला आ रहा था ये रिश्ते एक बात सुनो जी भाई ये यार सर किन्हीं को ही बोलो ना रिकॉर्डिंग कर यार लेक्चर भाई ये लड़के आप मस्करी करना छोड़ेंगे तो सर कुछ करेंगे ना वो सर पढ़ा रहे हैं आप लोग उसका कंट्रोल लेके छेड़खानी कर रहे हैं यही तो मैं कह रहा था लड़के टेक कंट्रोल ले रहे हैं उनको पता नहीं क्यों ले रहे हैं और सर ने भी अलाउ कर रखा है गलत है ना पता नहीं सर क्या करें बाकी वो ये वीडियो वाला आप लोग मसला अपना हल कर लें कि भाई अब डाउनलोड हो रही है
मैंने डाउनलोड कर लिया सर को शायद पता नहीं होगा किसी को एक्सेस करना है यार सर काडे वे स्टैक नहीं सर मुख्तार सही है वो क्या कहते हैं कोडिंग लेक्चर पूरा का पूरा दे रहे हैं सर पिनियल का लेक्चर एक भी नहीं मिला वैसे कौन सा पढ़ते हो उधर बस यार अभी कैसे पढ़ रहे हैं फॉर्मेलिटी तो अच्छी मिली हुई ना लेक्चर हुआ भी एक के ज्यादा थोड़े ना हुए हैं तो कहां से मिलेंगे आज वाला ही हुआ है बस इससे पहले भी एक लेक्चर हुआ ना सर अस्सलाम वालेकुम अपने माइक ऑफ कर दें प्लीज ओके सॉरी देयर वाज सम प्रॉब्लम विद माय लैपटॉप उसकी बैटरी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी अच्छा सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन अगेन स्टैक आर यू ऑनलाइन यस सर स्टैक यस सर ठीक है ओके सर डिस्टरबेंस क्योंकि थोड़ा सा यूपीएस का मसला हो गया था तो मेरी बैटरीज की थोड़ी सी मसला कर गई थी ओके आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन अगेन एंड हियर आई एम एंड हियर इज आवर प्रेजेंटेशन अगेन ओके ओके सो हियर आई एम एट द सेम स्लाइड द स्क्रीन आहे विजिबल आहे जी सर आए सर ठीक है ओके तो सवाल जो सवाल था मेरे ख्याल में किसी ने पूछा था कि जो हाइब्रिड क्लाउड है उसमें क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है क्लाउड्स का एक से दो टाइप्स जो है वो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के उसमें शामिल है तो क्या कम्युनिटी उसके अंदर हो सकता है या फिर नहीं तो उसका जवाब ये कि यस उसका एक पार्ट प्राइवेट होगा और दूसरा पार्ट उसका पब्लिक या फिर कम्युनिटी दोनों में हो सकता है एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड ओके ये क्लाउड सर्विस मॉडल्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि हम जो ज़्यादातर हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो हमने प्रैक्टिकल्स किए हैं तो वो सारे इन मॉडल्स पे बेस करते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स हैं और उन मॉडल्स को जो सर्विस मॉडल्स कौन कौन से हैं क्लाउड के और उन मॉडल्स को जो है वो इम्प्लीमेंट किस तरह जो ना वो किया जा सकता है तो इनफैक्ट हमने इसमें काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पहले की भी हुई है हमारे सारे जो एग्जांपल्स हमने किए हैं आपको अगर याद हो तो एक्लिप्स के साथ विजुअल स्टूडियो के साथ और डेटाबेस जो हमने की थी एसक्यूएल के डेटाबेस हमने किया था तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं वो कहीं ना कहीं पे टॉमकैट हमने डिप्लाई किया था तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे किसी न किसी सर्विस क्लाउड सर्विस मॉडल को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही होती है मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफली आपको बताऊंगा एंड देन चूँकि आज हमारा प्रैक्टिकल पार्ट भी है टुडे वी आल्सो हैव द प्रैक्टिकल फॉलोड बाय द लेक्चर तो उस प्रैक्टिकल पार्ट में फिर मैं आपको टाइम दूंगा ताकि आप उसमें प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकें और फिर आपको उसमें जो डिफ़िकल्टीज हों तो वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं तो मैं ऑनलाइन रहूँगा ड्यूरिंग प्रैक्टिकल ठीक है इश्तियाक ओके सर ओके तो ये तीन सर्विस मॉडल हैं क्लाउड के जो कि इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद है इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जो सर्वर्स स्टोरेज है नेटवर्क रिसोर्सेज हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं सो दीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स दे कैन बी प्रोविजनड और वन कैन गेट देम एज सर्विस ठीक है दूसरा जो मॉडल है सर्विस मॉडल वो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस तो प्लेटफॉर्म क्या होते हैं जैसे कोई मिडिलवेयर प्लेटफॉर्म हो या जैसे कोई सॉफ्टवेयर सर्वर्स हो ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर में हार्डवेयर सर्वर्स होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ठीक है लेकिन उन ऑपरेटिंग सिस्टम सर आवाज सही नहीं आ रही उन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अगर आप कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जैसे हमने टॉमकैट किया था या इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर हमने किया था तो वो सारे जो हैं वो फिर प्लेटफॉर्म कहलाते हैं और वी कैन डू दैट एंड वी कैन यूज क्लाउड द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल फॉर दैट पर्पस
फाइनली जो तीसरा मॉडल है वो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से मुराद ये है कि अगर हम क्लाउड से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए, हमें प्लेटफॉर्म भी नहीं चाहिए, डायरेक्टली हमें फंक्शनैलिटी चाहिए, ठीक है. इफ यू वांट फंक्शनैलिटी ओनली फ्रॉम द क्लाउड, देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल शुड बी इम्प्लीमेंटेड और देन सर्विसेज शुड बी डिप्लॉयड ऑन द क्लाउड सो दैट you can this cloud can provide you the core functionality that you are looking for. theek hai, to ye tino models hain jo ki bahut important hai is wale se. acha, uske baad phir jo hai, just getting out of this. acha, ye inki further jo hai na wo unki definitions hain tino models ki, ki infrastructure as a service mein kya cheeze aa jati hain, और सिमिलरली जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, और फाइनली जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो सर्विस मॉडल है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं. ठीक है. अच्छा, तो देन आई कंटिन्यू विद दिस पार्ट के क्लाउड का जो आर्किटेक्चर है, लेट आर्किटेक्चर, वो किस तरह है कि हाउ दीज सर्विस मॉडल्स are layered within the cloud platform. ठीक है, तो स्लाइड पर आपको ये नजर आ रहा है, थोड़ी सी काफी डिटेल स्लाइड है, मैं इसको स्लोली जो ना कोशिश करके कवर करूंगा. तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एंड यूजर है, ठीक है, तो एंड यूजर जो है एक सिंपल यूजर भी हो सकता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है. सर तवंजो आवाज थोड़ा इशू पे थे, आवाज कौन पे अच्छे अपने माइक ऑफ करें. ठीक है, तो कोई सा भी जो सर्विस मॉडल है, फॉर एग्जांपल द एंड यूजर कैन और इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर देन द एंड यूजर विल लोकेट द इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ मॉडल एज अ सर्विस या फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. अच्छा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि उन सर्विस मॉडल में कौन कौन से क्लाउड के जो वो कंपोनेंट्स हैं वो जो है ना उसमें आ जाते हैं, और यहाँ पे फिर आपको उसकी जो है ना एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन हैं या फिर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं या जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं या टेक्नोलॉजीज हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो ये एंड यूजर्स हैं who wants to get either infrastructure or platform or service, aur uske baad resource managed at each layer, jo cloud ke resources hain wo in different layers pe kis tarah manage hote hain aur unki examples kya hain. theek hai, ab infrastructure se shuru karte hain. please keep your mics off. theek hai. acha, to infrastructure pe kya jata hai, infrastructure sabse important cheez hai wo hai hardware. ठीक है, कल किसी ने पूछा था कि सर जो है ना वो हार्डवेयर जो है तो इसके बगैर तो जाहिर है कि सर्वर मशीन्स नहीं होंगी, स्विचेस नहीं होंगे, हार्ड डिस्क नहीं होगी, तो फिर क्लाउड कहाँ से होगा. तो उसका मैंने बताया था उस वक्त भी कि भाई हार्डवेयर होता है लेकिन हम उसको परचेज नहीं कर रहे होते, हम उसको ऑन नहीं कर रहे होते, उसको बेसिकली जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो उसको ऑन कर रहा है, तो कर रहा होता है. ठीक है, तो जो हार्डवेयर है उसमें सी पी यू है, मेमोरी है, डिस्क है, बैंडविड्थ जो है ये उसका जो ना पार्ट है. बैंडविड्थ हार्डवेयर नहीं है लेकिन ऑफकोर्स ये हार्डवेयर डिपेंडेंट है. ठीक है, क्योंकि बैंडविड्थ आपकी जो ना वो स्विचेस और राउटर्स के थ्रू मैनेज होती है. अच्छा, दूसरा जो कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का है वो ये है कि जो कंपटीशन जो है वो इसमें आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि जो कंपटीशन जो है कैपेबिलिटी के, जैसे मशीन आपको वर्चुअल मशीन, जैसे आप विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सर्वर आप उसमें जो है प्रोविजन कर सकते हैं, या स्टोरेज के लिए जो है वो एक ब्लॉक या फिर एक सर्वर आप प्रोविजन कर सकते हैं. तो ये दोनों जो आपको लेयर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों लेयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लेयर्स हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन सी हैं इनकी, एग्जाम्पल्स ये हैं कि जैसे डेटा सेंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर. जब हम डेटा सेंटर बनाते हैं तो हम हार्डवेयर जो है ना उसमें रखते हैं, मशीन्स रखते हैं,
स्टोरेज रखते हैं और फिर राउटर्स वगैरह हम वहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। और वर्चुअलाइजेशन या फिर कंप्यूटेशन की एग्जांपल्स कौन सी हैं, जैसे अमेजोन है या फिर इवन गूगल क्लाउड है या फिर माइक्रोसॉफ्ट अजूर की जो वर्चुअल मशीन्स हैं, तो वो सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है ये कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। सिमिलरली जो दूसरा जो लेयर है वो है प्लेटफॉर्म का लेयर। प्लेटफॉर्म पर क्या जाता है, ये सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं जैसे कि जावा है, टॉमकैट है, पाइथन है, .NET है, या फिर डेटाबेस हैं या फिर फाइल्स हैं, तो ये सारी जो है ना वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के थ्रू इनको हम जो है ना वो गेट कर सकते हैं या जो है ना क्लाउड से इन चीज़ों को ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं इनकी कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें एक्सेस देता है जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर या फिर एप्लीकेशन सर्वर्स के ऊपर या फिर डेटाबेस के ऊपर, गूगल की जो ऐप इंजन है और फिर अमेजोन की जो डेटाबेस है, तो ये सारी चीज़ें एग्जांपल्स हैं प्लेटफॉर्म्स की। जो फाइनली जो टॉप लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर, और एप्लीकेशन क्या प्रोवाइड करती हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए हम आप कहते हैं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिकॉज एप्लीकेशन आर दिस आर द कंपोनेंट्स व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज। सो व्हाट इज अवेलेबल एट दिस लेयर इज वी कैन गेट एक्सेस टू बिजनेस एप्लीकेशंस और वेब सर्विसेज और मल्टीमीडिया कंटेंट्स या फिर मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस लाइक वीडियोस या फिर जो ऑडियो फाइल्स हैं या फिर सर्विसेज हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे सेल्सफोर्स है, यूट्यूब है जहाँ से हम वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं, फेसबुक है जो कि सोशल मीडिया शेयर करने के लिए यूज़ होता है, गूगल की जो एप्स हैं आपने यूज़ की होंगी, गूगल शीट्स हैं, गूगल प्रेजेंटेशंस हैं, गूगल जो है ना वो फाइल्स हैं, तो ये सारी जो एप्लीकेशन की एग्जांपल्स हैं जो कि डायरेक्टली हमें फंक्शनैलिटी जो है ना वो प्रोवाइड करती हैं। सो ये जो क्लाउड लेयर आर्किटेक्चर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इसेंशियल कि इसको समझा जाए क्योंकि इसी पे सारी आपकी जो क्लाउड की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फाउंडेशन है, वो सारी जो है ना वो इस पर डिपेंड करती है। तो आई एम गोइंग बैक टू टीम सो दैट आई कैन आस्क यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अगर किसी को कोई सवाल हो तो यू कैन रेज द हैंड एंड आई कैन आंसर यू। इस तरह आवाज आ रही है मेरी जी सर, चलिए पर कट कट जाती है। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी स्क्रीन को अनशेयर करता हूं। इस तरह मेरी आवाज आ रही है जी सर जी, ठीक है। तो मैं आपसे जब पूछूं तो आप काइंडली बताएं मुझे, क्योंकि फिर मुझे कंफ्यूजन होता है कि कहीं पे कनेक्शन जो ना वो विच में तो आवाज कट जी दी वजह। ठीक है सर, धन्यवाद विच में तो आवाज सही फोन पे। हां मेरी आवाज कम दी कि सही है ना सर, विच में कट जी दी वजह सर, सॉरी टू इंटरप्ट, पता नहीं आवाज सही है, शायद स्टैक कोड को मसलो है। ना माजिद सर कट जी दी वने सर, माजिद सर क्लियर, आपकी आवाज मुझे भी कट कट कर आ रही है सर। माजिद भाई से मेरे पास नहीं काफी स्टूडेंट्स है यार। ठीक है, मेरे पास सही आ रही तभी बता रहा था। आवाज में इनको आ रही है माजिद भाई, हमारे पास सही नहीं आ रही, सही आ रही होगी, आधा समझ में आ रहा आधा नहीं आ रहा समझ में। भजन जिन लोगों के पास इंटरनेट का कनेक्शन सही नहीं होगा गालबन उनके साथ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा है।
अच्छा ठीक है चलिए ठीक है. तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड्स आई कैन आंसर यू. आई एम जस्ट लुकिंग के अगर आपने किसी ने हैंड रेज किया हुआ है तो आई कैन आस्क. ठीक है मेरे ख्याल में कोई सवाल नहीं है इस वक्त. तो अब जो है क्योंकि तकरीबन 10:30 बज रहे हैं तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा मैं आपके साथ अभी प्रैक्टिकल का जो पार्ट है उसके लिए मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल जो है वो शेयर करता हूँ. तो आपने ये करना है कि ये प्रैक्टिकल आपने प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स. मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल की यूआरएल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. हमारा जो होस्ट का जो पोर्शन है इस पे ये काइंडली प्रैक्टिकल है. आप इस प्रैक्टिकल को अपने कंप्यूटर्स के ऊपर प्रसारण करें. ठीक है तो इसमें देखें कि आपको इसमें क्या डिफिकल्टीज आती हैं. बाय द वे ये प्रैक्टिकल मैं आपके साथ क्लास में पहले भी परफॉर्म कर चुका हूँ और इसमें जो है व्हाट यू कैन डू इन दिस पार्ट कि आप इसमें यू कैन क्रिएट अ हेलो वर्ल्ड वेब ऐप यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जो है प्लेटफॉर्म. और इसके लिए आपको एक्लिप्स चाहिए होगा अपने कंप्यूटर के ऊपर. अपने कंप्यूटर के ऊपर आप इसमें एक्लिप्स चाहिए होगा क्योंकि जो एप्लीकेशन है आप इसमें क्रिएट करेंगे वो एक्लिप्स में होगी. Someone has a mic on and I can hear the noise. So please turn off your mic. ठीक है. दिलीप आपने हैंड रेस किया हुआ है लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा उसके बाद में आपके सवाल का जवाब दूंगा. मेरे ख्याल में यासिर ने भी हैंड रेस किया हुआ है तो ये मैं आपको बाद में जवाब दूंगा. अभी आपने ये करना है कि जो मैंने आपको जो हमारा चैट विंडो है पोस्ट जो विंडो है उसमें मैंने आपको एक यूआरएल भेजी है माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से. तो उस यूआरएल में एक पूरा ट्यूटोरियल है एक एग्जांपल है और उस एग्जांपल को फॉलो करके यू कैन डेवलप क्लाउड एप्लीकेशन. यू कैन डिप्लॉय अ क्लाउड एप्लीकेशन ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्लेटफॉर्म. और आपको यकीनन ये पता है कि Azure के प्लेटफॉर्म के आपको एक्सेस है आपकी ईमेल है ऑफिशियल ईमेल उसके थ्रू Azure की काफ़ी जो सर्विसेज हैं उस पर आपको एक्सेस है. तो आप उनको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं जैसे आप वहाँ पे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के थ्रू आप वहाँ पे प्लेटफॉर्म गेट कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के थ्रू आप वहाँ पे जो है वो सर्विसेज को डिप्लॉय कर सकते हैं. लेकिन वो जो सर्विस है वो बेसिकली एक फंक्शनैलिटी होगी एक प्रोग्राम होगा. तो वो जो प्रोग्राम है वो आप पहले एक्लिप्स के अंदर बनाएंगे और एक्लिप्स में बनाने के बाद आप उस उसका एक फंक्शन होगा उस फंक्शन को आप जाके माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे आप उसको डिप्लॉय करेंगे. ठीक है तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए फिर आपको कहता हूँ अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछें. और अदरवाइज आई गिव यू सम टाइम फॉर द प्रैक्टिकल एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन और क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रैक्टिकल. ठीक है इख्तियार कैसा चल रहा है सब कुछ? सर ओके चल रहा है ठीक है बिल्कुल सही चल रहा है. तो क्या माँ शेयर के ये आए जगह बता मेरे पे माइक को माँ एक शेयर के ये आए यूआरएल तमा सा ने जनरल वाले ग्रुप थे URL में तव्हां ॾिसंदो त एग्ज़ाम्पल आहे तव्हांखे यकीन यादि हूंदो त पाण उहा शइ पूरी करे बि चुका आहियूं. अगर आपको नज़र आहे त ये
एग्जांपल है क्रिएट हेलो वर्ल्ड वेब ऐप और Azure App Service यूजिंग Eclipse. तो स्टेप्स हैं, इसके जो स्टेप्स ये हैं कि आप आप अपने Azure को Azure का जो एक प्लगइन है वो आप उसमें एंटर करेंगे. नासर लगा रही आप माइक ऑन है नासर लगा रही अशफाक मार रहे जी माइक ऑन अशफाक मार रहे नहीं सर आवाज नहीं आ रहा सर पता नहीं किसका माइक खुला हुआ है उसकी आवाज आ रही है चंद्र प्रकाश अशफाक का अपने माइक ऑफ है हां सही है हां नॉइस का सर खुला हुआ है भाई लगा रही है यार भाई नासे लगा रही अपना माइक ऑफ रखें यार ठीक है मैंने यहाँ पे म्यूट ऑल किया है तो आप सबके माइक ऑफ हो गए हैं तो काइंडली आप अपना माइक ऑन नहीं करें ठीक है तो मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ कि ये जो आपको ट्यूटोरियल नज़र आ रहा है यहाँ पे ये काइंडली देखें तो ये इक्लिप्स बेस्ड जो है ना वो आप एक वेब ऐप बनाएंगे हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल है बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है और फिर उस ऐप को ये देखें यहाँ पे पूरा प्रोसीजर है कि पहला स्टेप ये है कि आप Eclipse आपको ऑफकोर्स आपके पास इंस्टॉल्ड हो और फिर Eclipse के ऊपर इस आइकन को ड्रैग करके आप माइक्रोसॉफ्ट Azure का जो प्लगइन है वो आप इस पर जो है इंस्टॉल कर देंगे ये Eclipse प्लगइन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये प्लगइन आप यहाँ से जस्ट इसको ड्रैग करके आप उस पर ड्रॉप कर देंगे अपने Eclipse पे और इसके बाद आप Azure साइन इन करेंगे वो आपको एक कोड देगा जिस तरह हमारे पास मोबाइल पे कोड आते हैं तो वो कोड आप एंटर करेंगे तो यू विल बी एबल टू साइन इन इनटू Azure सब्सक्रिप्शन आपको बताया जो सब्सक्रिप्शन आपकी है उसमें आप साइन इन हो जाएंगे ठीक है फिर आप जो है एक डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बनाएंगे Eclipse के अंदर ठीक है ये आप पूरा इसमें आपको नज़र आ रहा है कि पहले फाइल को क्लिक करेंगे उसके बाद फिर डायनामिक वेब प्रोजेक्ट है उसके बाद जो नेक्स्ट विजार्ड है जो नेक्स्ट स्टेप है आप उसमें नाम देंगे उस एप्लीकेशन का और फिर जो है गलबन यहाँ पे कहीं पे आपको टॉमकैट भी चाहिए होगा रन टाइम आपको यहाँ पे चाहिए होगा टॉमकैट फॉर एग्जांपल लेकिन यहाँ पे हमें लोकल रन टाइम नहीं चाहिए क्योंकि हम जो रन टाइम जो है वो क्लाउड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको रन टाइम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अदरवाइज अगर हम लोकली इसको डिप्लाई कर रहे होते तो हम यहाँ पे टॉमकैट रन टाइम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ठीक है और उसके बाद फिर जब ये प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा तो आपको इस तरह की चीज़ नज़र आएगी और वहाँ पे आपको ये फाइल्स नज़र आएंगे वेब कंटेंट के फोल्डर के अंदर ये आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर वेब कंटेंट का फोल्डर होगा उसमें फिर एक JSP फाइल जो है ना आपको नज़र आएगी तो JSP फाइल जो है जावा सर्वर पेजेस की फाइल है जो कि आप क्रिएट करेंगे इंडेक्स के नाम से तो ये न्यू JSP फाइल आप क्रिएट करेंगे फिनिश करेंगे ठीक है तो ये JSP फाइल आपकी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी ठीक है और यही JSP फाइल जो है इसी JSP फाइल को जिसमें कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तो ये हेलो वर्ल्ड हम उस वेब ऐप में जो है ना वो शो करना चाह रहे हैं तो ये फाइल सिंपल कोड है ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल से तो फिर आप उस वेब ऐप को आप पब्लिश कर सकते हैं Azure का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे तो पब्लिश एज Azure वेब ऐप को आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सी सब्सक्रिप्शन है तो आप सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करेंगे और उसमें रिसोर्स ग्रुप वगैरह पहले ही होता है और टॉमकैट का कौन सा एनवायरनमेंट है जैसे यहाँ पे 8.5 नज़र आ रहा है JDK वहाँ पे कौन सी होगी फिर आप उसको डिप्लाई करेंगे ठीक है
उसके बाद आपकी जो वेब ऐप है उसकी फर्दर अगर कोई डिटेल है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपका, विंडोज है या फिर लाइनक्स है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसने लाइनक्स लिया हुआ है तो आप ही लाइनक्स कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूजिंग एग्जिस्टिंग ऐप सर्विस प्लान, ये बाय डिफॉल्ट जो भी चीज़ें हैं ये आप बाय डिफॉल्ट वही रखें और फिर आप डिप्लॉय करते हैं इस पर। जब आप डिप्लॉय करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो इस तरह आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगी कि इस एप्लीकेशन का जो नाम है वेब ऐप, ये जो भी नाम है azurewebsites.net, ठीक है, azurewebsites.net आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इस पोर्टल पे जाके आपकी ये नज़र आ जाएगी और आपको हेलो वर्ल्ड नज़र आएगा। हेलो वर्ल्ड इसलिए नज़र आएगा कि इस JSP के अंदर अगर आप देखें तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की कमांड, आउट डॉट प्रिंट डॉट एलन की कमांड लगी हुई है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि हेलो वर्ल्ड के अलावा आपने यहाँ पे और भी कुछ कंटेंट्स लिखने हैं। ये सिंपल HTML है, आपको नज़र आ रही है कि ये BR टैग है, ये बॉडी टैग है, ठीक है। तो ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बॉडी स्टार्ट होती है, और उसके अंदर फिर ये बोल्ड B टैग है, तो बोल्ड जो है ना राइटिंग में आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है। तो आपने चूँकि HTML की हुई है तो आप सिंपल इसमें HTML के कुछ ज़्यादा कंटेंट्स जो है वो भी आप इसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं, तो वो फिर आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकल मैं आपके साथ काफ़ी मरतबा क्लास में परफॉर्म भी कर चुका हूँ, तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ चांस टू रिपीट दिस प्रैक्टिकल एंड डू दी हैंड्स ऑन बाय योरसेल्फ, सो दैट वी कैन डू मोर प्रैक्टिकल्स व्हिच आर कमिंग इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। सो आई एम गोइंग बैक टू टीम्स एंड डिसकनेक्टिंग माय स्क्रीन। अच्छा, सो आई एम बैक हियर टू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर द क्वेश्चंस। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस काइंडली रेज योर हैंड्स सो आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम द थ्योरी और आल्सो फ्रॉम द प्रैक्टिकल, ठीक है। जिसको सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। इश्तियाक, समझ में आ रहा है सब कुछ बेटा? जी सर, बिल्कुल सर। मुझे एक सवाल हो। जी हाँ सर, असने Azure में अकाउंट नथो खुले, ना छा दे करे चाहे तो क्रेडिट मना खत्म थी यानी मना क्लियर क्रेडिट नथो हले, क्रेडिट खत्म थी हुआ है जी सर, एक्सपायर थी है। अच्छा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, असल में तहां जने ईमेल छाई हुंदी उने का पोए एकरे साल जला वैलिड हुंदो है, ठीक है। हाँ, मुख्य कन्फर्म कोने तो हिंसर जो स्टेटस चाहे छो तो मूं वो कुछ स्टूडेंट्स ईमेल्स उन्हें चेक क्या तो जिन जो अकाउंट हले तो अकाउंट से भले दे शुड ट्राई अंडर अकाउंट टू डिप्लॉय द सर्विस, अदरवाइज आई विल आस्क समवन मे बी फ्रॉम HEC के जो है फर्दर प्रोसेस क्या है जिसमें आप जो है Azure को फर्दर आप उसके अंदर जो ना यूज़ कर सकें, ठीक है। सर पर अन्य तो अन्य एकड़ो साल थियो कोने मतलब एक्सपायर थी मिले जी बेटा, मतलब इन की वैलिडिटी 1 ईयर हुई ना, 1 ईयर हुई वैलिडिटी अन्य तो 1 ईयर एतरो कंप्लीट थियो ही कोने, मतलब जल्दी में एक्सपायर थी। हां एग्जैक्टली, मां भी लग चुके हैं वैलिडिटी 1 ईयर हुई है, यो मका HEC से गलन पंदो, ठीक है। HEC से गलन पंदो मान को जितने पॉसिबल होंगे तो हमें कैंपस का संग जितने पसंद है डोमेन की ईमेल्स आए हैं इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स ईमेल्स एंड टीचर्स ईमेल्स उन्होंने देवा के वो एक्सटेंड कर सकें। जो पॉसिबल ना है तो दिन के अकाउंट में Azure पैकेज यूज ना है कहो वो कर सकन था, एंड जेके मानो दोज हु कैन नॉट डू इट ऑन Azure तो यू कैन यूज एनी अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म एज वेल, ठीक है। आप कोई और भी क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप उसका ट्यूटोरियल फॉलो करें और मुझे करके दिखाएं कि आपने वो किया है, लेकिन मैं जो सपोर्ट दूंगा क्योंकि मेरे पास Azure है तो मैं सपोर्ट आपको उसमें दूंगा ज़्यादा Azure में, बाकी में मैं शायद इन सपोर्ट नहीं सकूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर कोई आपकी हेल्प कर सकता हूं तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। सुहेल रंधावा, आपका क्या सवाल है? सुहेल रंधावा, सर ये जो स्टेप नंबर 6 से 5 के बाद हम जब Azure के अंदर कोड लॉगिन करके उसके अंदर क्लिप्स में दोबारा जाएंगे यूर
सब्सक्रिप्शन जो भी आ रहा है वहाँ पे, तो उसके ऊपर पर्टिकुलर कोई सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास कोई भी ऐसी फाइल नहीं आ रही जो सिलेक्ट करना है। स्टेप 6 के अंदर जी सर। अच्छा, सिलेक्ट जेएसपी टेम्पलेट, ठीक है। तो इसमें आप टेम्पलेट, एग्जिस्टिंग जो टेम्पलेट है जेएसपी की, क्योंकि जेएसपी में काफ़ी सारे बिल्ट इन टैग्स होते हैं, ठीक है, तो वो बिल्ट इन टैग्स अगर आप टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको जीरो से लेके आखिर तक जो कोडिंग है जेएसपी की वो आपको खुद लिखनी पड़ेगी। तो टेम्पलेट का यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि उसमें आपको बिल्ट इन कोड मिल जाएगा, आप उसको यूज़ करें और जहाँ पर आपने अपना जो है सर आप थोड़े नीचे ज़्यादा चले गए, ऐसे ऊपर वाले जो स्टेप्स हैं ना, 5-6 स्टेप जो हैं जहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं Eclipse के बाद, हम Azure के अंदर लॉगिन हो रहे हैं, उसके बाद जो कोड है हम वो पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे कॉपी करके Azure में। जो फोर्थ स्टेप है ये तो जी सर, फोर्थ स्टेप कह रहे हैं या सिक्स्थ स्टेप कह रहे हैं सर? फोर्थ के बाद फिफ्थ के अंदर हम कोड पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे Azure में, उसके बाद जो सिक्स स्टेप है ना वो वाला, उसके बाद सिक्स वाला जहाँ पे सिलेक्ट सब्सक्रिप्शन है जी सर, ये जो है। हाँ हाँ ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन नजर नहीं आ रही? जी सर, यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रही सब्सक्रिप्शन। हाँ, नहीं आ रही है। आपने कभी Azure पे साइन इन किया है अपने अकाउंट पे? सर Azure पे साइन इन किया हुआ है। हाँ, तो वहाँ सब्सक्रिप्शन बनानी पड़ती है, बल्कि बाय डिफॉल्ट जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने भी रिसेंटली मैंने नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो अकाउंट है उसकी एक सब्सक्रिप्शन जिसका नाम होता है सब्सक्रिप्शन 1, वो आपकी बन जाती है। तो आप उस सब्सक्रिप्शन को जैसे आप यहाँ पे साइन इन करेंगे ना, जहाँ पे एंटर, तो वो सब्सक्रिप्शन आपकी लिस्ट में आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, ठीक है। भी अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो दो रीजन्स हो सकते हैं, एक तो ये कि आपने सब्सक्रिप्शन बनाई नहीं है, या फिर वो जो अभी कह रहे हैं इश्तियाक के हमारी सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्सपायर हो गई हैं, तो दिस कैन आल्सो बी रीज़न कि आपको यहाँ पे साइन इन करने के बाद सब्सक्रिप्शन नहीं आ रही, ये तो वजूहत हो सकती है। लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा मेरा कि खुद मेरे अकाउंट का स्टेटस क्या है, क्या मैं Azure को एक्सेस कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता, ठीक है। आप भी अपने मैं सब्सक्रिप्शन बना के भी चेक कर लेता हूँ अगर उससे हो रहा है। हाँ, तो फिर शायद अकाउंट का मतलब भी हो सकता है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, यासर आप क्या पूछना चाह रहे हैं? यासर अली मरी सर, आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज दैट सर, वी कैन यूज फायरबेस क्लाउड रदर देन यूजिंग Azure? ठीक है, आप कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा ना कि मैं आपको सपोर्ट Azure में दूंगा ज़्यादा, क्योंकि मेरा हैंड्स ऑन उस पर ज़्यादा है, और आप कोई और भी क्लाउड यूज़ कर सकते हैं जैसे फायरबेस है या फिर अमेजोन है या फिर गूगल है, तो वही फंक्शनैलिटी आपको सारे क्लाउड से मिल जाती है, तो यू कैन यूज़ आल्सो दोज एंड यू कैन जस्ट गिव मी द डेमो। जो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ तो वो जो असाइनमेंट है तो वो आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर या किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विसेज को यूज़ करते हुए आप जो है ना वो मुझे डेमो दे सकते हैं, इट्स जस्ट फाइन। Sir, inshallah, I will try my best on Azure. It's okay, but लेकिन अगर subscription आपकी valid नहीं है, expire हो चुकी है, तो फिर आपको alternate find out करना पड़ेगा Firebase वगैरह का। Okay, sir, thank you. ठीक है, अच्छा अभी ये और कौन साहब हैं, यासर का भी सवाल हो गया, सुहेल का भी सवाल हो गया, मेरे ख्याल में आप you can down your hand, सुहेल, ताकि मुझे कंफर्म हो कि आपके पास कोई सवाल नहीं है। आज अटेंडेंस काफ़ी बेहतर है, 82 जो हैं वो बैठे हुए हैं अटेंडीज, एंड दिस इज़ वेरी गुड कि काफ़ी, कल 72 थे और आज 82 अटेंडेंस है, तो आई थिंक दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड, यस। ठीक है, तो अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ प्रैक्टिकल करने के लिए, तो आप उसमें जो है ना वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, जिस क्लाउड पे भी आप चाहें आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, और फर्दर जो है अच्छा मैं ये करता हूँ, अभी मैंने स्क्रीन शेयर ख़त्म किया हुआ है, लेकिन मैं ये करता हूँ कि ये प्रैक्टिकल एज एन असाइनमेंट मैं क्लास नोटबुक में रख देता हूँ,
ताकि आप वहाँ पे, आपको भी एक असाइनमेंट आएगी, मैं भी वो बना रहा हूँ असाइनमेंट, तो आपकी नोटिफिकेशन में वो असाइनमेंट आ जाएगी, तो आप वो असाइनमेंट फिर मुझे सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज भी इसके अंदर होती है जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर। इट्स अ वेरी गुड कोलाबोरेटिव एनवायरनमेंट। असाइनमेंट की डिस्क्रिप्शन में इसका मैं टाइटल लिख रहा हूँ, अच्छा मैं आपके साथ स्क्रीन में से शेयर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र भी आ जाए ये चीज़ ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा क्योंकि मैं अपने टीचर के अकाउंट से कर रहा हूँ और आप जो करेंगे अपने स्टूडेंट्स के अकाउंट से करेंगे, तो थोड़ा सा उसमें आपको वो डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये देखिए मैं असाइनमेंट में जा रहा हूँ और आपके लिए एक असाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। असाइनमेंट, ठीक, असाइनमेंट का जो टाइटल है वो है और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मैं जो यूआरएल है उस एग्जांपल की, जो ट्यूटोरियल है जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है उसको, ठीक है, तो ये आप, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस असाइनमेंट्स के जो पॉइंट्स हैं ये मैं आपको, फॉर एग्जांपल इसके मैं जस्ट फॉर चेकिंग पर्पज़ मैं इसको 10 पॉइंट्स दे रहा हूँ, ये 10 मार्क्स नहीं है, ये जस्ट 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स को मैंने ये असाइनमेंट दे दी और इसकी जो ड्यू डेट है आज वेनसडे 3rd है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे ये सबमिट करो फ्राइडे तक, जो ना ये आप मुझे 5 तारीख तक ये असाइनमेंट आप मुझे सब कर दो 12 बजे तक। ठीक है, और उसके अलावा इसमें मेरे ख्याल में और कोई चीज़, एड रिसोर्स होता है जिसमें आप एक फाइल अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने असाइनमेंट आपको URL में दी हुई है तो मुझे फाइल अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं जब यहाँ से असाइन करूँगा तो आपको अपने टीम्स के जो पोस्ट्स वाली विंडो है, यू विल बी एबल टू सी दिस असाइनमेंट नोटिफिकेशन एंड फ्रॉम देयर यू कैन आल्सो सबमिट द सॉल्यूशन ऑफ द असाइनमेंट। ठीक है, तो व्हाट आई नीड इन द सॉल्यूशन इज यू कैन सेंड मी द स्टेप्स दैट यू फॉलो इम्प्लीमेंट दिस एग्जाम्पल। जो स्टेप्स आप कर रहे हैं वो आप स्टेप्स इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, प्लस अगली क्लास में मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे जो ना वो रेंडमली, मैं कुछ स्टूडेंट से कहूँगा कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करके मेरे साथ या सबके साथ वो जो असाइनमेंट मैंने दी है उसका एक दो या चार मिनट का या मैक्सिमम 5 मिनट का एक मुझे जो ना तो आप उसमें डेमो दे दें ताकि मुझे कंफर्म हो गया आपने वो असाइनमेंट परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको असाइन कर रहा हूँ आपके लिए, तो ये असाइनमेंट अब आपके विंडो में आपके पास आ गई होगी। मैं अपनी यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ कि वो किस तरह आती है इसकी नोटिफिकेशन। जनरल में अगर हम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे असाइनमेंट आ गई, अज्योर एग्जाम्पल एक्लिप्स असाइनमेंट। यहाँ पे जिस तरह मेरे पास व्यू असाइनमेंट आ रहा है इसी तरह आपके पास व्यू असाइनमेंट होगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी दैट असाइनमेंट एंड देन यू कैन सबमिट दैट असाइनमेंट एज वेल। मैं, हाँ ठीक है, गुड। अच्छा, ये किसने लिखा है कि ACC की सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई। ठीक है, ये चीज़ मैंने डिस्कस कर ली वहाँ पे। गुड। ठीक है, और कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं अभी स्क्रीन अनशेयर कर रहा हूँ, और कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई गिव यू टाइम। अब्दुल रहमान खास के लिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर ये ट्यूटोरियल जो है अगर आप हमें सेंड कर दें थोड़ा गाइडलाइन के लिए। किस चीज की बेटा? ये जो ट्यूटोरियल है ना जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमें क्रिएट करना है JSP फाइल में, सर ये अगर थोड़ा सेंड कर दें थोड़ी गाइडलाइन मिल जाएगी। गाइडलाइन में आपको बता रहा हूँ कि आप स्टेप्स लिखें कि आपने कौन से स्टेप्स फॉलो किए वो आप बताएं और फिर आप वो एप्लीकेशन बनाएं। ठीक है, एक्लिप्स में और अज्योर में, फिर आप मुझे उसका डेमो देंगे। ठीक है, वो डेमो मैं आपको इनवाइट करूंगा कुछ स्टूडेंट्स को, सबको नहीं करूंगा, रैंडमली मैं इनवाइट करूंगा कुछ स्टूडेंट्स को ताकि वो जो है वो डेमो मुझे प्रेजेंट कर सकें।
ठीक है सो ऑल फॉर टुडे आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस के बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरी लैपटॉप की जो है ना वो बैटरी की वजह से आज अनफॉर्चुनेटली मैंने जो है वो लैपटॉप चेंज किया था तो आई थिंक आई विल कंटिन्यू विद द सेम वन व्हिच आई यूज्ड यस्टरडे दैट वन वाज बेटर ठीक है सो आई विश यू अ वेरी नाइस डे एंड इंशाल्लाह सी यू सून सी यू अगेन नेक्स्ट वीक एंड आई लुक फॉरवर्ड रिसीविंग योर असाइनमेंट्स बाय ठीक है जी सर जी हासिल साहब क्या करना चाह रहे हैं सर आई हैव अ क्वेश्चन हां प्लीज अमित कुमार वाले अमित आपकी आवाज सही नहीं आ रही आपकी इंटरनेट की स्पीड सही नहीं है मेरे ख्याल में ठीक है अच्छा मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग को कर रहा हूं सर आई हैव अ क्वेश्चन Thank you.